हेलो गाइस, आज हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शन के। फाइनेंशियल फंक्शन में गाइस हम इसमें पीएमटी कैसे निकालते हैं। पीएमटी मतलब क्या होता है कि हर महीने हम जो पेमेंट देते हैं, ईएमआई देते हैं, वो है ईएमआई। मतलब कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली हुई है, कोई गैजेट्स लिया हुआ है, फोन लिया हुआ है, गाड़ी ली हुई है, या आपने बैंक से कोई प्रॉपर्टी लोन लिया हुआ है, ओके गाइस, तो उस पे हमें कैलकुलेट कराना है कि हम हर महीने ईएमआई कितना दे रहे हैं, ओके? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईएमआई फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? इसको ईएमआई को मतलब पीएमटी बोलते हैं, पीएमटी प्रिडिकल पेमेंट, ओके? अगर गाइस आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। और गाइस हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल फंक्शन में पीएमटी। ओके गाइस, देखिए गाइस एक एग्जांपल है कि अभी हमने इधर लिया हुआ है, एक हमने गाड़ी खरीदी, कार 4 लाख की है, कोई सी भी गाड़ी होगी, अमाउंट आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल अमाउंट है। और इसका डाउन पेमेंट हमने दिया है 20% के हिसाब से, कैलकुलेट कर दिया 80,000 रुपए, ओके। और इसमें से फिर क्या करा, जो मेन वैल्यू है आपकी प्राइस है, प्राइस में से इसकी डाउन पेमेंट माइनस कर दी, अब टोटल आपका अमाउंट कितना बचा है गाइस, लोन अमाउंट, ये बचा है लोन पेमेंट 1,320,000, ओके। अब हमारी सारी चीजें जो कैलकुलेट होंगी वो इसी पे होंगी, 3,20,000 रुपए, ओके गाइस। तो अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएमटी। पीएमटी मीन्स मंथली पेमेंट है। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फंक्शन निकाल रखा है, अब मैं इसको यहाँ साइड में निकाल देती हूँ, इसी को मैं डिलीट कर देती हूँ। चलिए गाइस हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है गाइस। देखिए अब मुझे पीएमटी निकालना है, मंथली ईएमआई निकालना है, तो इसके लिए हम इधर पीएमटी निकालेंगे, ओके गाइस, सॉरी पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। और गाइस पहले ये रेट बोल रहा है, तो ये रेट है गाइस, ये रेट क्या है गाइस, ईयरली है, मीन्स एक साल का है। तो हमें क्या करना है, मंथली निकालना है, तो एक मंथ में कितने, एक साल में कितने महीने हो जाएंगे, 12, क्योंकि ये ईयरली है, तो हम इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है ना, हो गया गाइस। फिर कॉमा लगाया, फिर एनपीआर, एनपीआर निकाल रहे। अब ये जो गाइस ये है क्या हमारा टाइम पीरियड है, एनपीआई एनपीआर, तो ये टाइम है, हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, तो ये 5 साल के लिए लिया है, तो 5 साल का जो वैल्यू है उसको हमने 5 साल को क्या करा, मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर एक महीने के हिसाब से निकालते हैं तो 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 60 महीने, तो हम इसे चूज कर रहे हैं अपना एनपीआर, ओके गाइस। फिर इधर कॉमा लगाया, अब यहाँ पे गाइस हमारा पूछ रहा है इसे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, ये है वो गाइस, जो स्टेट ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है गाइस वो ऑप्शनल होती है, हम उसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई मैटर नहीं होता उसके लिए, नहीं लिखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा और लिखेंगे तब भी सेम आएगा। देखिए गाइस ये वैल्यू आ गई, ओके, अभी गाइस माइनस में वैल्यू आ रही है, ओके, जब भी हम पीएमटी निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी माइनस में लेता है, ये करेंसी फॉर्म में है इसलिए, ओके गाइस। तो अगर इसे कॉमा फॉर्म में ले लेते हैं, कि हम इसे कॉमा फॉर्म में ले लें, तो कॉमा फॉर्म में लेते ही देखो गाइस ये इसका साइन हट गया अमाउंट का, तो हम इसे अमाउंट पे रखते हैं, हम चाहते हैं ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आए, तो पॉजिटिव में आने के लिए आपको पहले भी मैंने एक ईवीएस ABS फंक्शन बनाया था कि हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव में आ जाए, वो भी कर सकते हैं, या फिर हम इसमें जो हमारा लोन अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है, इसको हम माइनस में डाल सकते हैं, ओके गाइस। यहाँ पे हमने इसे माइनस लगा दिया, तो देखिए गाइस ये इसने पॉजिटिव आंसर दे दिया, ओके गाइस ये हो गया पॉजिटिव, इस तरीके से हम पॉजिटिव निकाल लेंगे, ओके। और अभी इधर देखिए गाइस वो स्ट्रेट ब्रैकेट वाली चीजें मैंने अभी नहीं लगाई थी, तो इधर लगा के देखते हैं गाइस, ठीक है ना। तो हम इधर PMT लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये 10% डिवाइड बाय 12 कॉमा NPR आपका ले लिया, देन कॉमा, फिर इधर माइनस में आपका प्रेजेंट वैल्यू ले ली, कॉमा 0 फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमें पता नहीं है हम फ्यूचर में कितनी वैल्यू पे कर चुके हैं, देन टाइप, जो EMI हम पे करेंगे गाइस वो बिगिनिंग ऑफ पीरियड करेंगे या फिर एंड ऑफ पीरियड करेंगे, बिगिनिंग ऑफ पीरियड करते हैं तो 1 लगाएंगे, एंड ऑफ पीरियड करते हैं तो 0 लगाएंगे, फिलहाल हम 0 लगा रहे हैं कि हम एंड ऑफ पीरियड करेंगे। देखिए गाइस ये सेम वैल्यू है एज इट इज, थोड़ा सा अगर हम 1 लगा देते तो गाइस इधर थोड़ा सा फ्रैक्शन जो प्रेशेशंस होता है उसमें चेंजेस आता है, ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू सेम है। अब ऐसे ही गाइस अगर मुझे सेमी ईयरली निकालना है, सेमी ईयरली मतलब कि साल में,
दो बार पेमेंट जाएंगी 6-6 महीने पे, ओके। तो गाइस हम यहाँ पे निकाल लेंगे पीएमटी, निकालेंगे पीएमटी, ओके। प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, सेम रेट। अब ये रेट है गाइस, ये रेट हमारा क्या था, ईयरली, और हम ये में क्या क्या निकाल रहे हैं, सेमी ईयरली, यानी कि साल में हमारी दो पेमेंट जाएंगी, तो इसे हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, और सॉरी 2 करेंगे, 2 कर दिया। अगर गाइस ये साल में दो पेमेंट जाएंगी तो मेरा एनपीआर कितना हो जाएगा, साल में कितनी पेमेंट जाएंगी फिर, या तो मंथली के हिसाब से 5 साल में कितनी जा रही है, 60 पेमेंट जा रही है, तो यहाँ पे साल में दो पेमेंट जा रही है तो 5 साल में कितनी जाएंगी, 10 पेमेंट गाइस, तो इधर हम 10 टाइप कर देंगे, ओके। फिर इधर कॉमा लगाएंगे और फिर इधर माइनस में आपकी प्रेजेंट वैल्यू डाल देंगे, तो ये मेरी माइनस प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू डालने वो डालनी है तो उधर डाल देंगे 01, ये देखिए गाइस ये शो हो गया, यानी कि एक साल में दो मेरी ईएमआई जाएंगी और 5 साल में कितनी जाएंगी, 10 जाएंगी, तो ये इस हिसाब से इसका सेमी ईयरली निकल गया। ऐसे ही गाइस यहाँ पे ईयरली निकाल सकते हैं। ईयरली में क्या करेंगे गाइस, सेम एज है, इक्वल लगाएंगे पीएमटी, ओके। पीएमटी निकाला, रेट ये गाइस ईयरली रेट है तो हमें इसे डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये ले लिया और यहाँ पे फिर क्या करेंगे गाइस, हम इसे एनपीआर, एनपीआर ये क्या है गाइस, अब हमारा साल में एक ही बार जाएगा, ओके, तो हम इधर 1 कर देंगे, ठीक है ना। साल में एक जाएगा तो 5 साल में कितनी जगह कट जाएंगी गाइस, 5, तो हम इसे 5 कर दिया और इसे माइनस और इधर लोन अमाउंट और इसे ब्रैकेट क्लोज। देखिए गाइस इसमें हमारा निकल गया, इसमें हमारा निकल गया, ठीक है ना गाइस, तो इस तरीके से हमारा शो हो जाएगा, ओके। चलिए गाइस, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।